मार्वल ने रिसेंटली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की एक अल्टरनेट एंडिंग रिलीज की है, जिसके अंदर हमें दिखा जाता है कि लास्ट बैटल में जब हैरी विश्नोई ब्लास्ट हो जाता है तो ड्रैक्स उसके अंदर से हैरी विश्नोई को बचा के नोवेर के ऊपर लेके आता है, लेकिन उस ब्लास्ट की वजह से हैरी विश्नोई के मुंह पे लगा मास्क खराब हो जाता है। अब इस मास्क को हैरी विश्नोई इसलिए लगाया था क्योंकि रॉकेट ने भागते समय उसके मुंह की ऐसी की तैसी कर दी थी, जबकि मार्वल कॉमिक के अंदर हमें दिखाया जाता है कि हैरी विश्नोई खुद को इवॉल्व करने के चक्कर में पावर के नशे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है, उन एक्सपेरिमेंट की वजह से उसके मुंह की हालत खराब हो जाती है और वो एक मास्क लगा के घूमना शुरू कर देता है। वो टॉपिक के वापस आते हैं तो हैरी विश्नोई की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और उससे रॉकेट को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो इसको एक सड़ी सी जेल के अंदर कैद कर देता है और घूरते हुए वहां से चला जाता है। वैसे एंडिंग के अंदर हमें एडम वॉल्डर का भी सीन दिखाया गया था जहां पर वो खुद के नाम को डिस्कवर करता है, तो वो इतना कुछ खास नहीं है, उसके बारे में बात भी नहीं करने वाले। बात करते हैं इस मेन एंडिंग की, तो भाई ये बहुत ही ज्यादा वाजाती, अच्छा हुआ भाई मार्वल ने इस एंडिंग को पोस्ट प्रोडक्शन में खत्म कर दिया। अब तुम में बहुत सारे सोच रहे होंगे कि एक्चुअल एंडिंग है, तो नहीं भाई लोग ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी कोई मूवी बनती है तो उसकी अल्टरनेट एंडिंग बनाई जाती है और उसमें से जो सबसे बेस्ट होती है उसको हमें सिनेमा में परोसा जाता है, यानी कि थिएटर में तुम जो एंडिंग देखते हो वही भाई फाइनल एंडिंग होती है। उसके अलावा जितने भी बिहाइंड द सीन या डिलीटेड सीन आते हैं उनका एक्चुअल प्लॉट या एक्शन मूवी से कोई भी लेना देना नहीं होता, जैसा इस एंडिंग का है। अब यहाँ पर इस एंडिंग का तुम गौर से देख सकते हो रॉकेट की ग्राफिक कितने ज्यादा वाहियात है, वो वाहियात इस वजह से क्योंकि इस एंडिंग को पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान ही कैंसिल कर दिया गया था, यानी इसे फाइनल नहीं किया गया, बीच रास्ते में कैंसिल कर दिया, इस वजह से ग्राफिक इतने ज्यादा वाहियात है। अब तुम्हें तो बहुत सारे सोच रहे हैं भाई एंडिंग के अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, बहुत बेस्ट एंडिंग है, रॉकेट का यहाँ पर रिवेंज निकल गया। तो भाई जरा तुम रिवेंज को छोड़ के जरा मूवी के प्लॉट के ऊपर फोकस करो कि हैरी विश्नोई कैरेक्टर को हमें किस तरीके से प्रेजेंट किया गया। भाई ऐसा कैरेक्टर जो एकदम बेरहम है, सज्जे से उसने हर एक जीव के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, मजे के लिए उन्हें मार तक डाला, यहाँ तक कि जैसे गुस्सा आने पर इसने पूरे प्लैनेट को तबाह कर दिया, मतलब एकदम फुल्ली इविल कैरेक्टर जिसके अंदर 0% इमोशन है। उसको तुम्हें मामूली से सड़ी हुई जेल के अंदर कैद करके उसकी रेपुटेशन उसकी भौकाल की ऐसी की तैसी कर दोगे। हाँ मानता हूँ कि आप में ऐसा ही होना चाहिए था फॉर इमोशनल एंगल, मगर तुम इमोशनल को साइड में रख के एज अ फिल्म मेकर देखो कि भाई उस कैरेक्टर की ऐसी की तैसी हो जाती और नेक्स्ट टाइम तुम मुझे स्क्रीन पे देखे उस लेवल का गुस्सा कभी नहीं आता, मतलब उसका भौकाल एकदम ही खत्म हो जाता। डेट वाई उसकी जो सबसे बेस्ट एंडिंग हुई थी कि वो शिप के साथ में इस फिल्म में कहीं गायब हो गया, मर गया, बच गया, किसी को नहीं पता, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि एंडिंग के बाद में मार्वल के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि अगर डिमांड करते हैं फैन हैरी विश्नोई को देखने की, केविन फेगे को ऐसा फील होता है कि हैरी विश्नोई कम बैक करना चाहिए, तो किसी भी टाइम किसी भी स्टोरी में उसको कम बैक करा सकते हैं नई स्टोरी को जोड़ के। लेकिन अगर इस एंडिंग को यहाँ पर दिखा दिया जाता तो उनके पास कोई नई स्टोरी दिखाने को नहीं होती, उन्हें अगर हैरी विश्नोई को फिर से कम बैक कराना होता तो उन्हें नोवेल से ही शुरुआत करनी होती क्योंकि वो उसी जेल में कैद है, जबकि स्पेस में गुम होने की वजह से ओरिजिनल एंडिंग थी, वहां से वो हैरी विश्नोई कैरेक्टर को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, चाहे तो विलन बना सकते हैं, चाहे तो एज अ हीरो कम बैक करा सकते हैं। हीरो तो हालत में आने नहीं वाला, एज अ विलन ही कम बैक करेगा जहां तक मेरे को लगता है, और मे बी अवेंजर सीक्रेट वॉर के अंदर हमें हैरी विश्नोई का कैमियो देखने को मिल सकता है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में और एज अ फैन डिमांड मेरे को लगता है जो मार्वल ने मेन एंडिंग हमें दी वही सबसे बेस्ट एंडिंग थी हैरी विश्नोई कैरेक्टर को। ये अल्टरनेट एंडिंग सच में वाजिया थी और अच्छा हुआ इसको कैंसिल कर दिया गया। तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा कैरेक्टर पसंद है, हैरी विश्नोई या फिर कैन द कॉन्करर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।